नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल मामू, मेरा नाम है विशाल बला। दोस्तों अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि YU मोबाइल के ऊपर है। ये मोबाइल मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हो रहा है। अभी ये फ्लिपकार्ट पर 9500 रुपए का न्यू अवेलेबल है। आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं। इस मोबाइल की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या डिटेल्स है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप ये मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं कि आप मतलब इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आप इसमें दो सिम कार्ड यूज कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो मोबाइल है ये हाइब्रिड सिम स्लॉट का मोबाइल है, लेकिन इसमें एक ही सिम कार्ड आप यूज कर पाएंगे और एक मेमोरी कार्ड, या फिर दो सिम कार्ड लेकिन मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर पाएंगे फिर आप। तो दोस्तों यूट्यूब पर इसका कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड नहीं है जिसमें हम दो सिम कार्ड विद मेमोरी कार्ड के साथ में यूज कर सकें। तो मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। मैंने ये देखिए, ये मेरा सिम कार्ड है। ये सिम कार्ड मेरा खराब भी हो गया, इसके पीछे मैंने इसको काफी यूज किया। ये देखो ये अलग भी हो जाएगा, ये छिपाया हुआ मैंने, तो ये बहुत ट्राई किया मैंने, मेरे 4-5 घंटे इसके पीछे खराब हुए हैं, लेकिन तब भी ये सिम कार्ड इसमें वर्क नहीं कर रहा है। जितने भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर वो सब मैंने ट्राई करके देखा है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी सिम कार्ड को डिटेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा ये देखो, ये जला भी दिया था मैंने इसको निकालने के लिए, कुछ टाइम तक इसने वर्क किया, लेकिन दूसरे मोबाइल में यूनिकॉर्न इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इकट्ठा मतलब मेमोरी कार्ड और दो सिम कार्ड इकट्ठे लगाएंगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं करता है। तो आप तो बेकार में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, इसको यूज मत करिएगा। अगर आपको करना है तो दो सिम कार्ड यूज करो, या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम कार्ड इसमें यूज करो। नैनो सिम कार्ड आप इसमें लगा सकते हो। इसके अलावा जो मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड के ऊपर का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, उसको मैंने काफी बारीक भी कर दिया, जिसके लिए मैंने एक रेगमार्क होता है, रेगमार्क के ऊपर अच्छे से उसको घिस के काफी पतला कर दिया ताकि वो अंदर से आराम से चला जाए सिम स्लॉट में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो यहाँ पर जाते ही आगे अटक जाता था, और सबसे लास्ट में जब वो अंदर गया भी मेमोरी कार्ड और दो सिम कार्ड, तो वो उसने डिटेक्ट किया ही नहीं। तो थक हार कर मैंने काफी कोशिश करी, 5-6 घंटे मेरे खराब हुए और मेरा सिम कार्ड ही बेकार हो गया। तो आप ऐसा ट्राई बिल्कुल भी मत करना। ये YU5530 मॉडल है इस मोबाइल का, तो आप इसमें ऐसा ट्राई मत करिएगा। और इस मोबाइल की क्या स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों आप इस मोबाइल को परचेज करें। सबसे पहले ये मोबाइल काफी लाइट वेटेड है, काफी अच्छा है। इसका 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इसमें 2.5D का एक ग्लास है जो कि प्रोटेक्शन ग्लास है इसका, कि ये टूटता नहीं है। जैसे गोरिल्ला ग्लास 4 आता है, ऐसे शायद ये गोरिल्ला ग्लास 3 है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर तो ये लिखा हुआ है, तो सही है। ग्लास की प्रोटेक्शन है जो कि रेडमी के नोट 4 में नहीं मिल रही है। और इसकी इंटरनल मेमोरी जो है ये है 32GB और 4GB इसमें रैम है। इसके अलावा इसका प्रोसेसर 1.8 GHz को सपोर्ट करता है। कॉर्टेक्स 8 कोर का प्रोसेसर है इसके अंदर। इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहां पर ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, YU5530 ये इसका मॉडल है। तो मोबाइल अच्छा है, इसमें 4000 mAh की बैटरी भी है, बैटरी बैकअप भी इसका काफी अच्छा है। मैंने इसको कंटिन्यू यूज किया है और ये 10 से 12 घंटे तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है अगर नॉन स्टॉप आप इसको यूज करें। अगर आपका यूज बहुत कम है, ना के बराबर है, तो 2 दिन के आसपास आपको ये बैटरी बैकअप दे देगा। ये चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है, अप्रॉक्स 2.5 घंटे के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है। और मोबाइल के साथ में जो ईयरफोन आएगा वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है, उसकी साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ईयर्स में वो चुभता भी नहीं है, उसकी कुशनिंग वगैरह भी काफी अच्छी है। तो इस मोबाइल की वारंटी जो है ये 1 साल की है, और कहते हैं कि अगर इसमें सर्विस सेंटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो माइक्रोमैक्स का जो सर्विस सेंटर है वहां से आपको इसकी सर्विस मिलेगी। इट मींस YU मतलब यूनिकॉर्न और माइक्रोमैक्स आपस में कोलैबोरेशन है शायद इनका, जिसकी वजह से माइक्रोमैक्स वाले आपको सर्विस दे रहे हैं यूनिकॉर्न कंपनी के मोबाइल फोन की। तो इस कंपनी के बहुत सारे मोबाइल फोन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि अगर आप भी ये मोबाइल परचेज कर रहे हैं और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आपने देखे हैं और सोच रहे हैं कि इसमें दो सिम कार्ड सपोर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर ये सोच के इस मोबाइल को ले रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना।
इसको छोड़कर अगर आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ टू सिम कार्ड यूज करना है या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज करना है तभी इसको लो, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट ही होगा, आपका सिम भी वेस्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर कोई भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च करी है मुझे नहीं मिली है, तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कुछ कमी हो या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ अलग चीजों पर वीडियोस बनाना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर मेरे इस वीडियो में कोई भी आपको शिकायत हो तो प्लीज मुझे सुझाव जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।